चलिए अब बात कर लेते हैं राशि के मुताबिक उपायों की। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं एक बार बताना चाहूंगा, वैसे तो सही बात यह है कि आज बहनों को तब तक व्रत करना चाहिए जब तक भाई को तिलक न कर दें, और सुबह उठकर बहनों को स्नान ध्यान करके देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए और अपने भाई के दीर्घायु के लिए, अपने भाई के भाग्योदय के लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो आप अपने भाइयों को सबसे पहले सुबह उठिए, स्नान करिए, भगवती दुर्गा की उपासना करिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और दुर्गा जी को केसर का तिलक लगाइए और दुर्गा जी से प्रार्थना करिए कि वो आपके भाई को दीर्घायु चिरंजीव रखें, सुख और धन धान्य से परिपूर्ण रखें। भाई जब आपके घर में आ जाए तो उन्हें पूरब की दिशा में मुंह करके आप बैठाएं, शुभ मुहूर्त में उनके माथे पर लाल रंग का, उनके माथे पर केसर चंदन या फिर कुमकुम का तिलक लगाएं और दाहिने हाथ पर कलावा बांधें। पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, नहीं कुछ है तो गुड़। देखो, ये तो सामर्थ्य की बात है, हम जो बता रहे हैं इन चीज़ों के पीछे आपको मरना नहीं है। जो सुलभ और सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाए, जिसमें आपको विशेष मानसिक पीड़ा न हो, वही वस्तु भाई के लिए ठीक है, हर राशि वालों के लिए ठीक है, वो चीज़ आप भाई को कराएं। लेकिन आज के दिन ये पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन खिलाने का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व चावल, दाल, रोटी, सब्जी खिलाने का है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि भग्नि गृहे जलपानम, ये कहीं नहीं लिखा है। हर जगह लिखा है भग्नि गृहे भोजनम, और भोजन में जो होता है वो नमक जरूर होता है। अगर भोजन शब्द आएगा तो उसमें नमक जरूर आएगा। तो भग्नि गृह भोजनम का मतलब कि पूरा पेट भर के तृप्ति, इसके लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, अचार, ये सब वस्तुएं भोज्य पदार्थ भोजन के अंतर्गत आती हैं। तो आज बहनों को कोशिश करना चाहिए कि अपने भाइयों को अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएं, और अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएंगी तो निश्चित रूप से वो भाई यमराज के भय से मुक्त हो जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की वृषभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, आज भाई दूज पर वृषभ राशि की बहनें या वृषभ राशि के भाइयों को तिलक लगाने के पहले प्रातः काल उठकर स्नान करें, विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट और आराध्य देव की पूजा करें, राम कृष्ण हरि में से जो भी आपके आराध्य देव हैं अपने आराध्य देव की पूजा करें, और आराध्य देव की पूजा करते हुए अपने भाई के चिरंजीव दीर्घायु और भाग्यशील रहने के लिए अपने इष्ट देव से कामना करें, भगवान की विधिवत पूजा करें, और उसके बाद जब भाई आपके घर पे आ जाए तो आप भी अच्छे कपड़े में रहिए, प्रसन्न रहिए, भाई को पूरब मुंह बैठा करके उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करिए। अगर घर में कुमकुम ना हो तो हल्दी दही दोनों मिला करके भाई को तिलक करिए
और माथे पर दो चावल के दाने भी चिपका दीजिए। अगर आपके घर में कलावा न हो तो हल्दी में कच्चा सूती डोरा हो या रेशमी डोरी हो, उसे रंग करके भाई के कलाई पर जैसे रक्षा बांधा जाता है वैसे बांध दीजिए। हल्की सी मुंह मीठा करने के लिए कोई मिठाई खिला दीजिए और उसके बाद में भाई के इच्छा के अनुसार जब वो कहें तुरंत या घंटे दो घंटे बाद उन्हें पूरब मुंह करके बैठाइए और उन्हें ले आकर के भोजन दीजिए और वो भोजन करें। और भाइयों को भी कुछ फर्ज बनता है, ऐसा नहीं कि गए और ठूस के खा लिए और फिर बहन को बाय बाय करके चल दिए। नहीं, आज आप अपने शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देंगे, बहन के लिए कोई ऐसा उपहार लेके जाएंगे जो उसके लिए सरप्राइजिंग हो और आप अपने शक्ति सामर्थ्य से बढ़ करके बहन के लिए कुछ करेंगे। आप उसकी जरूरत को अच्छी तरह से समझते हैं कि उसे क्या चीज़ आपको देनी है। अगर कोई वस्तु देनी है तो आपको वस्तु देनी चाहिए, अगर आपको लगता है उसे किसी वस्तु की जरूरत है तो वस्तु देनी चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं उसकी आवश्यकताएं बहुत हैं और उसके लिए क्या जरूरत है हमें पता नहीं, तो आपको उसे ढेर सारा पैसा देना चाहिए ताकि उस पैसे से वो अपने जीवन के लिए जो उचित समझे वो कर सके। अरे बहन का तो अन्न खाते ही आप मृत्यु के भय से बच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सनातन धर्म की मान्यता है। लेकिन आप भी बहन के लिए समर्पित होकर के आज अपने पुरुषार्थ का परिचय दीजिए। हाँ, शुभ रंग वृषभ राशि के जातकों के लिए आज क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की तो लंबी आयु होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और दोनों का भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाए, कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जानते हैं। आज भाई दूज पर अगर आपके भाई की मिथुन राशि है या आपकी मिथुन राशि है तो सुबह उठ जाइए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, अपने पूजा स्थान में बैठिए और पूरी तन्मयता के साथ अपने भगवान की पूजा उपासना करिए। पूजा उपासना करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, अपने हृदय में भी ध्यान करिए और पूजा स्थान में भी ध्यान करिए और उनसे आप अपने भाई के चिरंजीवी दीर्घायु जीवन के लिए, सुख सौभाग्य के लिए आंचल फैला करके वरदान मांगिए और पूजा से निवृत्त होकर के भोजन बनाइए। भोजन बनाने के बाद जब भाई आपके घर में प्रवेश करे उसके पहले आपका भोजन तैयार हो जाना चाहिए। भाई के प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं कि आप फिर चूल्हे में जाके जलने लगो, नहीं, भाई के आने के बाद आप उसके आगत स्वागत के लिए उसके माथे पर तिलक करें, कलावा उसके हाथ में बांधें, हो सके तो देसी घी का दिया जलाकर या कपूर जलाकर उसकी आरती भी करें और आरती करते समय आप अपने भगवान से कहें कि हे मेरे भगवान, मेरे भाई की सारी बला आज से दूर हो जाए, मेरे भाई का सारा दुर्भाग्य आज से नष्ट हो जाए। आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, पक्का मानिए, केवल हृदय से आपको करना है तो घी के दिए से या कपूर से। भाई की आरती करते समय मन में जरूर सोचिए कि इस आरती के प्रभाव से भाई का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। बेसन का लड्डू थोड़ा सा खिला दीजिए और उसके बाद भोजन की व्यवस्था करिए, भोजन कराइए। आज शुभ रंग आपके लिए हरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी और दोनों को ही उन्नति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है, आपके भाई की कर्क राशि है, तो भैया आज अगर आप बहन हैं तो आपको चाहिए कि एकदम प्रातः स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे करके अपने पूजा स्थान में साफ सफाई करके खूब भगवती दुर्गा का अच्छे से आप पूजा पाठ करिए।
और अगर ज़्यादा पाठ नहीं कर सकती हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है उसे ही 7 बार कर डालिए। 7 बार करने में 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और उसके बाद उठिए अपने भाई के लिए अपने रुचि के अनुसार उत्तम भोजन बनाइए। और अगर आप पूरा भोजन नहीं बना सकते हैं तो कम से कम भोजन की नींव तो डाल दीजिए आप। अगर मान लीजिए किसी का सहयोग आप ले रही हैं भोजन बनाने में, तो भोजन में नमक डालने वाला काम तो आप कर दीजिए, तब भी वो भोजन आपका ही बनाया हुआ माना जाएगा। और उसके बाद जब भाई आ जाए तो हर्ष से खुशी से उसको ले आ करके पूरब मुंह करके बैठाना चाहिए, और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीला रेशमी धागा हो तो बांधना चाहिए, और कपूर से आरती करना चाहिए, जरा सा मिठाई खिलाना चाहिए, और हो सके अगर आपके घर में इत्र हो तो थोड़ा सा इत्र अपने भाई के शरीर पर लगा देना चाहिए। अगर आपको एक मंत्र आता हो, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे उपंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ऐसा कहते हुए हाथ पे इत्र लेकर के भाई के दोनों बाहों पर लगा देना चाहिए, भाई के सामने सीने पर लगा देना चाहिए। इससे भाई का दुर्भाग्य और भाई के मतलब कि अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। और आज आपके लिए शुभ रंग क्रीम है, भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं और कैसे कलावा बांधें ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप बहन हैं और आपकी सिंह राशि है या आपके भाई की सिंह राशि है, तो आज सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर आप अपने पूजा स्थान में बैठ के पहले मन लगा करके पूजा करिए, और भगवती दुर्गा की जम करके उपासना करिए, अच्छे से करिए। और पूजा से खाली होने के बाद अपने किचन का काम देख लीजिए, क्योंकि आज आपका भाई आपके घर आने वाला है तो आपको आज उसे भोजन भी कराना है। किचन के काम के बाद आप तैयार हो जाइए, भाई आए तो उसके स्वागत में खूब अच्छे से माथे पर तिलक करें, सूती कलावा दाहिने हाथ में बांधें, भाई को थोड़ा सा मिश्री खिलाकर उसका मुंह मीठा कराएं, उसके बाद भोजन की व्यवस्था करें। भोजन भाई को पूर्व या उत्तर मुंह करके ही बैठाना है, भोजन करने के लिए कभी दक्षिण मुंह करके ना बैठे, चाहे डाइनिंग टेबल पर बैठें चाहे जमीन पर बैठे, लेकिन मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भाई को ना बैठने दें। और भाई को भोजन कराएं, जब तक भाई भोजन करे तब तक वहाँ आसपास में आपको रहना चाहिए, और भगवान से हृदय में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये एक एक अन्न मेरे भाई के लिए अमृत बन जाए, ये मेरे घर का एक एक अन्न जो हमारा भाई खा रहा है ये सब अमृत बन जाए, जो इसके रोग और शोक का निवारण कर दें। ऐसी भावना यदि आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपके भाई का सौभाग्य उदय होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है लाल, भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, और दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं ये जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अगर कन्या राशि की हैं तो अपने भाइयों को हो सके तो उपहार में एक छोटी सी गणेश प्रतिमा दें, और या गणेश जी की कोई छोटी सी मूर्ति हो तो उसे हाथ में पकड़ाकर गणेश जी को तब माथे पर हल्दी का चंदन लगाएं, अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधे, बादाम या काजू से बनी हुई मिठाई अपने भाई को खिलाएं, लेकिन अगर घर में ना हो तो कर्जा लेकर मंगाने की जरूरत नहीं है, गुड़ खिला देना, सच्ची बात बता रहा हूँ। बनावट और दिखावा भाई बहन के बीच में नहीं होता है, भाई और बहन के बीच में बनावट या दिखावा नहीं होता है कि हम भाई को दिखाने के लिए चाहे कर्ज करना पड़े चाहे किसी से मांगना पड़े, नो, बिल्कुल नहीं, भाई और बहन के बीच में कोई दिखावा नहीं होता। इसलिए अपने भाई को जो भी है वो खिलाना चाहिए, और भोजन जरूर कराना चाहिए, चाहे रोटी सब्जी ही कराओ लेकिन भोजन जरूर कराओ,
क्योंकि तुम्हारे अन्न से और तुम्हारे नमक से उसको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग भूरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई का कारोबार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, नौकरी में स्थायित्व आएगा और भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है, आपके भाई की तुला राशि है, तो आज आपको चाहिए कि सुबह सूर्योदय के समय ही आप तैयार होकर के सूर्य को अर्घ दे करके पूजा स्थान में बैठ करके विधिवत जैसे आप रोज पूजा पाठ करती हैं वैसे आपको पूजा पाठ करना चाहिए और भाई के आने के पहले ही उसके मंगल की कामना अपने भगवान से करनी चाहिए और जब भाई आ जाए तो खुशी से उसका स्वागत करते हुए उसे घर में हर्षपूर्वक खुशी मन से बैठाना चाहिए और उसके माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, लाल सूती कलावा बांधना चाहिए। अगर हलवा घर में बन सकता है तो हलवा बना करके एक चम्मच अपने हाथ से हलवा खिलाना चाहिए और उसकी नज़र भी उतार लेनी चाहिए। तीन लौंग लेकर के उसके ऊपर से तीन बार क्लॉकवाइज उतार करके और कागज़ में लपेट के चूल्हे पे जला दो, तुम्हारे भाई को कभी नज़र लगेगी ही नहीं, इसलिए कि बहन की उतारी हुई नज़र तो फिर कभी चढ़ ही नहीं सकती। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके लिए शुभ रंग है हल्का नीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन की भी प्राप्ति होगी, नए नए अवसर भी मिलने लगेंगे और भाई बहन दोनों की आयु लंबी होगी और दोनों का ही आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज भाई दूज पर पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं और वाकई पंडित जी ने अपने जिक्र भी किया था कि बहनें अपने भाइयों के लिए चिंतित रहती हैं। हरलीन भी हमारे साथ जुड़ी, वो भी अपने भाई के लिए कितनी चिंतित थी और यही होता है भाई बहन का रिश्ता और यही वजह है कि आज कालचक्र में हम इन रिश्तों के बारे में भी बता रहे हैं और भाई दूज आप कैसे मनाएं, कैसे अपने भाई के जीवन में खुशियां लाएं, ये सारे उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। अगर आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप बहन हैं या आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो आज आपको खूब मन लगा करके योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए और आंख बंद करके कम से कम एक मिनट के लिए भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए छवि अपने हृदय में आपको धारण करनी चाहिए। बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण मोर मुकुट लगाए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए आपके हृदय में विराजमान हैं। बगल में राधा रानी ने उनके हाथ में हाथ डाल करके गलबहियाँ दे करके वो भी बगल में हैं। अगर ये भाव बन जाता है आपके हृदय में तो आपका जीवन धन्य होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने वृश्चिक राशि के भाई को गोरोचन से तिलक करें, केसर में रंगी सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर बांधें, गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नारंगी है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी, भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आपको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाने चाहिए और कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के भाइयों को इत्र हाथ में देकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को अगर उपलब्ध है तो रसगुल्ला खिलाएं। अपने भाई को कलाई पर कलावा बांधें। धनु राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते की मधुरता आएगी, भाई बहन दोनों को ही धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं।
देखिए, अगर आपके भाई की मकर राशि है तो आज आपको चाहिए कि आप प्रातः स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने पूजा घर की सफाई करें। देखिए, चाहे जितने अपने घर में नौकर चाकर हो, चाहे जितना अपने घर में सुख सुविधा हो, लेकिन मेरा एक सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने पूजा स्थान की सफाई स्वयं करनी चाहिए और पूजा स्थान में कभी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान की सफाई के लिए, फर्श की सफाई के लिए एक कपड़ा रखना चाहिए और उसी कपड़े से पूजा स्थान को पहले सोहनी लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में साफ कपड़े से पोछा लगाना चाहिए। पूजा घर की सफाई और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जैसे कटोरी, चम्मच, गिलास, दीपदान, आरतीदान, ये सब जो मतलब पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, इन बर्तनों को अपने हाथ से ही साफ करना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके घर में मतलब काम वाली आती है, बर्तन धोती है, उसी को आपने पूजा का भी सामान दे दिया। ऐसी गलती मत करिएगा। अपने हाथ से, चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी और चक्रवर्ती सम्राट थे, सातों द्वीप के मालिक थे, वो अपने पूजा स्थान में नित्य सफाई का कार्य स्वयं करते थे और भगवान के पूजन में उपयोग होने वाले जो बर्तन हैं उनकी सफाई स्वयं करते थे। तब चक्र सुदर्शन उनकी रखवाली करता था और दुर्वासा जैसे महान तपस्वी को भी उन्होंने घुटने टेकने पर अपने भक्ति के आगे मजबूर कर दिया। आप भी अपने पूजा स्थान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति संजीदा रहिए। ये किसी के भरोसे मत छोड़िए, ये आपका सौभाग्य होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर राशि के जातक एक पीला रेशमी रुमाल अपने सर पर रख सकते हैं, केसर से रंगा सूती कलावा अपने भाई के हाथ पर बांध सकते हैं, भाई को केसर का तिलक लगा सकते हैं और मकर राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई दीर्घायु होगा और बहन भी भाग्यशाली बनेगी, दोनों का जीवन अच्छा रहेगा, दोनों को तरक्की मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, आइए जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने कुंभ राशि के भाइयों को हल्दी और चावल का तिलक लगाएं, भाई के हाथ में रेशमी डोरी बांधें, भाई को तिलक लगाकर गुड़ खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग सफ़ेद है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आमदनी बढ़ेगी, भाई को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है, लगातार आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, कई दर्शकों को हम ले नहीं पा रहे हैं वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं, पंडित जी आप देख रहे हैं बहन को कितनी चिंता हो रही है अपने भाइयों की और पंडित जी ने वो तमाम उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आप अपने भाई के जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं, क्योंकि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, भाई दूज है और आप अपने भाई के लिए वो उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हर उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने मीन राशि के भाइयों को हाथ में गरी गोला पकड़ाएं और मिश्री खिलाएं, भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधें, अपने भाई को हल्दी घोलकर चावल के साथ तिलक करें। मीन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की सेहत में सुधार आएगा, भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी और भाई बहन दोनों के रिश्ते सभी से मधुर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।